जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने और उसे तोड़ने की घटना पर एबीवीपी बिफर गई है, जिसके विरोध में एबीवीपी की धर्मशाला इकाई ने धर्मशाला कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐसी घटना को अंजाम देने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा सरकार से ऐसे स्टूडेंट्स का चेहरा पूरे देश के सामने लाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने और उसे तोड़ने की घटना पर एबीवीपी बिफर गई है, जिसके विरोध में एबीवीपी की धर्मशाला इकाई ने धर्मशाला कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐसी घटना को अंजाम देने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा सरकार से ऐसे स्टूडेंट्स का चेहरा पूरे देश के सामने लाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। एबीवीपी का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने इस दिशा में शीघ्र कठोर कदम न उठाए तो एबीवीपी आंदोलन उग्र करेगी। एबीवीपी का कहना है कि गत वर्ष भी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, उस समय भी सरकार ने तत्काल कार्रवाई न करके काफी दिनों बाद नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स को बर्खास्त किया था। एबीवीपी का कहना है कि स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श पुरुष हैं तथा उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा प्रताप सहन नहीं किया जाएगा। एबीवीपी के जिला संयोजक अभी राणा ने बताया कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया और मूर्ति पर अपशब्द लिखे गए। हमारी मांग है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सब किया है उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा एबीवीपी आंदोलन तेज कर देगी। आज एबीवीपी के जिला केंद्र धर्मशाला में ही धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार का जो भी फैसला आता है उसका इंतजार किया जाएगा, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिषद पदाधिकारियों के दिशा निर्देशों पर आगामी रणनीति अपनाई जाएगी। गत वर्ष भी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, उस दौरान भी केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई न करके काफी दिनों बाद कार्रवाई करते हुए उन स्टूडेंट्स को बर्खास्त किया था। हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले स्टूडेंट्स का चेहरा पूरे देश के सामने लाया जाए तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये आप सभी को अवगत होगा, पिछले कल जेएनयू में जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के ऊपर कुछ अपशब्द लिखे गए, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। उसके जो जिन भी छात्रों का ये जिसमें जिनका हाथ है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द उन छात्रों को अगर आप नोटिफाई नहीं करते तो हमारा इससे भी उग्र आंदोलन होगा और उन ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा मोर्चा निकालेंगे। अभी हमारे प्रदेश में सिर्फ जो हमारा कांगड़ा जिले का जिला केंद्र है धर्मशाला में, वहीं पे हमारा आज धरना हुआ है। हम आज सरकार का जो भी इसके ऊपर फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे। अगर वो इसके ऊपर कड़ा कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं तो कल इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। इसके बाद जो आंदोलन रहेगा वो हमारे जो सरकार के ऊपर जो उनकी भी जिस तरह से नीति आती है वो उस तरह से हमारा आंदोलन, जो भी हमारे प्रदेश स्तर से जो हमारे अधिकारी है वो हमारे को किस तरह से गाइडलाइन देते हैं फिर हमारा आंदोलन उस तरह से लेकर रुख तैयार करेंगे। केंद्र दो साल पहले भी जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे तब भी केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाया था। वो बहुत दिनों बाद उन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाया था और वो उन छात्रों को बर्खास्त किया था। पर हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर अपना कड़ा रुख अपना के उन छात्रों को बर्खास्त किया जाए, वो उन्हें पूरे यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि पूरे देश के सामने उनका चेहरा लाया जाए जो हमारे ऐसे आदर्श पुरुष के साथ ऐसे कार्य करते हैं।